यात्रा आयोजन हमेशा एक चुनौती होती है, तो हम लोगों को जितनी भी संभावनाएं उस पर हो सकती हैं सबको ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई जाती है और हम लोगों ने सारे विषयों को अपने ध्यान में रखा है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी ड्यूटियाँ एक्टिवेट हो चुकी हैं हर चौराहे पर और हर गलियों में जहाँ जहाँ पर ई कांवड़ का मूवमेंट हो रहा है यात्रा का। तो आदेश भी कल पारित किए गए हैं कि यात्रा रूट पर सभी मीट की शॉप्स बंद कर दी गई हैं और जो हमारी लिकर की शॉप्स हैं मुझे उम्मीद है आज शाम तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि उनका जो यात्रा की तरफ जो उनका काउंटर था उसको कहा गया है उसको आप बंद करके अपोजिट साइड में आप खोलिए। देखिए हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी आयोजन होता है जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो हमेशा पुलिस फोर्स सतर्क नज़र बनाए रखता है और हर एक पहलू पर हम लोग नज़र रखे रहते हैं और सतर्क भी रहते हैं। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल भी मौजूद है, CPMF के भी 6 कंपनी आई हुई है, 12 कंपनी हमारे पास PSC है, CPMF में ITBP की 2 कंपनी है, RAF की 2 कंपनी है, SSB की 2 कंपनी है। इसके अलावा हमारे पास CCTV का पूरा जाल बिछा हुआ है जो जिसकी परमानेंट मॉनिटरिंग हमारा सेंट्रलाइज होती है। जो मेला क्षेत्र है वहाँ पे कंट्रोल रूम से हमारी पूरी मॉनिटरिंग चलती रहती है। वहाँ पे हमारा साउंड सिस्टम भी है जो हर एक पॉइंट को कवर करता है और कहीं पे कोई भी मैसेज देना होता हमारे फोर्स को चाहे श्रद्धालुओं को वहाँ से मैसेज कस्टमाइज मैसेज भी दिया जा सकता है, किसी एक पॉइंट के लिए भी हो सकता है, जनरल मैसेज भी हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन से भी हम लोग इस बार निगरानी करेंगे, हमारे पास पर्याप्त ड्रोन्स अवेलेबल हैं और जितनी भी पार्किंग है पार्किंग एरिया के अलावा जो कांवड़ रूट है उसके बाद जो हमारा मार्ग है कांवड़ डाक कांवड़ का मार्ग है उन सब पे हमारी एकदम सतर्क दृष्टि बनी रहेगी और हमारी फोर्स एकदम तैयार है।